यहाँ पे मैं बना रही हूँ रमज़ान की ग्रोसरी। अभी मैं चीज़ें सोच रही हूँ क्या कुछ रह तो नहीं गया, लिस्ट बना लो, वो ईजी रहता लेना। वैसे मैंने सारा कुछ लिख ही दिया है, अब वो देखते हुए चलते जाएंगे तो कुछ याद आ गया तो वहाँ से ले लेंगे। मेरे ख्याल में इतना बहुत है। ये देखिए मैंने रमज़ान की लिस्ट बना लिया इतनी ज़्यादा यार है, इतने पैसे नहीं होंगे पास लाने के लिए। बस करें यार, क्यों नहीं, इसमें इतनी 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 चीज़ें वो नहीं है, इसमें मेन मेन चीज़ें मैंने लिखी हैं। बीच में मैंने वो भी ऐड कर दिया ना, चिकन भी ऐड कर दिया है और जो सब्जियां वगैरह थी वो सारी भी इसके बीच में लिख दी हैं। अब पढ़ लें, अब इसमें से ये शॉर्ट लिस्ट करते जाएंगे। पेन मैंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है। मेरी राइटिंग देखें, अच्छा राइटिंग कैसी मेरी बताएं। वो अच्छी है, अभी वो चावल आए तो थे नहीं, वो तो दावत में बन गए थे ना, दावत के लिए वो कल लेकर आई हैं चीज़ें, चने शने उबतार थे, चने पता कितने किस तरह हैं वो, उन्होंने आके बताया चने 400 रुपये किलो वो लेके आई हैं इम्तियाज से। तो तभी मैं कह रही हूँ इम्तियाज में महंगी हैं चीज़ें, जैसे कहते हैं मिक्स करके ले आते। आप कह दें, मैं नहीं कह सकती। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ किंजा ज़ीशान, दिस इज़ मी किंजा। तो आप लोगों को थंबनेल से तो आइडिया हो चुका होगा कि आज हम लोग जाने लगे हैं रमज़ान की ग्रॉसरी करने। तो मैंने ज़ीशान से कहा है कि चलते हैं, टाइम निकालें, ग्रॉसरी करके आते हैं। वैसे तो मेरा प्लान था कि हम जाके पहले ही कर लें, लेकिन वो कुछ बिजी थे इस वजह से हम पहले नहीं जा सके। तो अभी हमें टाइम मिला है तो मैंने क्या किया कि मैंने पहले ना लिस्ट डाउन कर लिया है कि मैंने क्या क्या चीज़ें लेकर आनी है। मैंने 2 दिन लगाए हैं लिस्ट बनाने में। पहले मैंने सारी चीज़ें चेक की कि क्या क्या चीज़ अवेलेबल है, क्या चीज़ अवेलेबल नहीं है। तो मेरी लिस्ट बन चुकी है और मैंने आपको दिखाया भी है मेरी लिस्ट क्या बनाई है। तो खैर अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ, बस मैंने कपड़े वगैरह चेंज करने हैं तो ज़ीशान आते हैं तो फिर हम चलते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि सिर्फ वानिया को ले चलते हैं क्योंकि अब्दुल्ला और वानिया बहुत तंग करते हैं दोनों एक साथ हों, और अब्दुल्ला अगर साथ चला जाए तो आपको पता ही है कि वो कितना तंग करता है कि हर चीज़ मुझे ले के दो। तो खैर अभी हमने यही सोचा है कि अब्दुल्ला को पापा के पास छोड़ जाती हूँ। पापा ने कहा कि मेरे पास छोड़ जो, मैं इसको संभाल लूँगा, तुम लोग जाओ चीज़ें वगैरह ले आओ। तो जी रमज़ान की तैयारियाँ अब ज़ोरों शोर पे हैं, आपको आगे रमज़ान के व्लॉग्स मिलते रहेंगे। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन फ्री में देखने को मिल सके। अब मैंने किसी के स्टाइल को कॉपी कर रही हूँ और आप लोगों ने बताना कि मैं किसके स्टाइल को कॉपी कर रही हूँ। खैर आपसे मिलूंगी अब आगे, अब मैं ज़रा तैयार शार हो जाती हूँ और वानिया को भी देखती हूँ, वानिया को भी तैयार कर देती हूँ। अब्दुल्ला ट्यूशन गया हुआ है तो इससे मैं आराम सुकून से भी वीडियो बना रही हूँ। अभी हम पहुँच चुके हैं इम्तियाज, चलो गाड़ी पार्क कर दी है और चलो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। ग्रोसरी ये जी हम लिफ्ट से गलत जगह उतर गए वहाँ से डोर ही क्लोज है इम्तियाज का, वो खुला हुआ है, कोई खुला है वहाँ से, ये वाली एंट्रेंस है। अच्छा ये वाली इस साइड से ये है और इस साइड से ये है, सो अभी हम दूसरी साइड से आए हैं। ठहरो भाई, तुम्हें ओए भाई की कमी को पूरी का पूरा कर गई बिल्कुल। ये मैं बाबा को दिखाऊंगी, वानिया ले लो, ये रहा वानिया, एक बोत है, एक बोत है, हट जाओ यहाँ से, अब्दुल्ला की कमी को पूरा कर गया। सर क्या क्या रह गया, बंद गोभी रह गई, बंद गोभी ले लेती हूँ। ये एक दो तीन बहुत होंगी, बाबा क्या कह रहे हैं जी, बाबा वेट करवा रहे हैं सब्जियों को। मानी ओ येल्लो हो येल्लो हो येल्लो, बाबा जो है अब हमने ट्रॉली चेंज कर लिया आटे की वजह से, इसलिए वानिया तुम चीज़ें नीचे गिराती रहो, तुम्हारा और कोई काम नहीं है ना। बेसन ले लें, साथ साथ मैं लिस्ट को भी करती जा रही फॉलो। और यहाँ से एक मैदा भी लेना है, बेसन एक नहीं लें दो लें, कितने कितना ये 1 kg 1 kg 1 kg, 1 kg तो बहुत कम होगा, तीन ले लें, तीन ले लें, तीन ये दो ले लें, बाद में आता हुआ तो एक और ले लेंगे। मैदा ये 1 kg है, ये भी एक चाहिए मुझे खाली, एक कुछ चीज़ें चीज़ों के लिए। चलो मानो को कहाँ चाहिए, मानो को हाँ एक ले लें बस, का फ़ायदा इस ऑफर का फ़ायदा हमने भी उठाया।
तभी इसके साथ कॉटन पड़ा होता है। ये एक सरफ भी ले लें। मानिया सही बात, अपनी चीज़ें खा रही हैं तो खुश बैठी है। ये पड़ा हुआ ना, कहाँ से आ रहे हैं? ये है ना, 2 kg है, बड़ा है। हाँ ले ले, पड़ा भी है, बस ये ले लें, ख़त्म हुआ तो और ले लेंगे। और जी मैं यहाँ से भी नमक लेने आई हूँ, और साथ साथ मैं लिस्ट को भी टैली कर रही हूँ। 2 नमक के पैकेट बहुत हैं। यहाँ से ये वाले चने, चने 2 ले लूँ, लेकिन इसकी प्राइस देख लेना। फिर हम आपकी कह रही थी 400 रुपये किलो है चने की प्राइस। ये लोबिया, लोबिया चाट नहीं डलता क्या? चने लोबिया लेना था, और बस चने की दाल खाने के लिए। बस ये 3 दालें बहुत है। ले लिए चने भी, और दालें नहीं लेनी। यहाँ से मैं ले चुकी हूँ बिरयानी मसाला। जी जी वानी जी, ये वाले साइज के लिए जिप लॉक बैग्स, इसकी वजह से। इसमें कितने? 15 है, ठीक है। एक ट्रॉली को अब हम इधर पार्क कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो गई है। अब ये जा रहे हैं और मैं अकेली करने लगी शॉपिंग। तो अभी जो है वानिया चली गई बाबा के साथ, और मैंने जो चीज़ें लेनी है, मैं चीज़ें लेने आ गई यहाँ पे, क्योंकि इनको कोई काम था, मेरा आईडी कार्ड आना था, और मैं लिस्ट के अकॉर्डिंग अब ये ले रही हूँ यहाँ से। ले लिया ये, अब आगे से अभी मैं ये लेने लगी हूँ। ये कॉकटेल भी ये ठीक है। अब क्या लेना है, अब क्या लेना है? कैचअप मायोनीज लेना था मैंने, वो लेती हूँ। और अब मैं यहाँ से लेने लगी हूँ ये अचार। अचार यू नो, रमज़ान में अचार ना हो तो रमज़ान अधूरे हैं। अभी मैं ढूंढ रही हूँ यहाँ पे, कुछ चीज़ें मुझे नहीं मिल रही। मैंने यहाँ से और क्या लेना है, कैचअप लेने लगी हूँ। और अब मैं लेने लगी हूँ जी चिली गार्लिक सॉस। ये तो बहुत छोटा है, बड़ा बड़ा। हाँ, और ये रहा, यही ले लेती हूँ चिली गार्लिक सॉस। और अब ये लिस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ें देख रही हूँ क्या क्या रह गई हैं। काफ़ी कुछ तो मैं ले चुकी हूँ इसमें। अब ये मैक्रोनी की बारी आती है। ये वाली मैं लेती हूँ एल्बो, 3 मैक्रोनी की चीज़ें भी बनानी है इसमें। और एक ये स्पेगेटी एक ले लेती हूँ। अभी यहाँ पे मुझे वापस आई हूँ जी लेने के लिए लहसुन अदरक का पेस्ट। वो रह गया था, और क्या रह गया है? कोई मन चाहता, क्या रह गया है कुछ समझ नहीं आ रही क्या रह गया। अब मैं देखती हूँ दोबारा लिस्ट को, बार-बार जो लिस्ट को देखना पड़ रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं चीज़ें लेती जा रही हूँ। जो जो चीज़ें मैं ले रही हूँ ना, उसको मैं साथ साथ टिक करती जा रही हूँ कि हो गया। तो अभी मैं बड़े सुकून से ग्रॉसरी करी, क्योंकि ना वानिया ना अब्दुल्ला है साथ। अब्दुल्ला को पापा के पास छोड़ के वानिया को सीधी शान लेके चले गए। और अब जी ले लेते हैं। अब लेने लगी हूँ जामे शीरी, एक ही ले लेती हूँ, समझ नहीं आ रही जामे शीरी उन्होंने वो अफजल। मैं तो थक गई हूँ चीज़ों को घुमा कर। वो रखा है मैंने बास्केट को, वो तो वैसे चला ही नहीं जा रही थी। अल्लाह, अब मैं ऐसी एक एक चीज़ हाथ में लेके, तो मैं बास्केट में तो जाके रख रही हूँ, फिर ले रही हूँ जी। मैंने यहाँ पर फिर ट्रॉली को काफ़ी हद तक भर लिया। ये मैंने बुला के लिए फीडर भी लिया है, फीडर लाऊंगी, और ये तो बनने के लिए फीडर लिया है। अब मैं आगे दोबारा जा रही हूँ और चीज़ें ले लगी हूँ जी। एक खजूर ले ली मैंने, खजूर भी ले ली। अब चलते हैं आगे। ओके जी, वानिया मानिया आ दिया, वानिया मानिया आ दिया, वानिया मानिया को कप मिल गया। और अभी हम कराने लगे हैं बिल। बाबा चीजी लेकर आ रहे हैं, बाबा चीजी लेकर आ जाओ यार। वो देखो बाबा किधर खड़े हैं, बाबा अपनी चीजी लेकर आ रहे हैं, बाबा अपनी चीजी लेकर आ रहे हैं प्यार से। ये बाबा और वानिया बैठ चुके हैं गाड़ी में जी, पीछे सामान भी रखा जा रहा है गाड़ी में। पापा की कॉल आ रही है बीच में से। क्या लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो? ये देखो, भी हम अब्दुल्ला को बाबा के घर से ले आए हैं, पापा के घर से, और सामान सारा बाहर रख दिया। अभी मैं जी जाने लगी हूँ, पहले जल्दी से चावल जाके बनाती हूँ, सोच रही हूँ मटरों वाला पुलाव बना लेती हूँ जल्दी से, और मेरा राशन बाद में संभालती हूँ। और अब्दुल्ला साहब क्या कर रहे हैं जी? अब्दुल्ला साहब कोल्ड ड्रिंक पकड़ के बैठ गए हैं, और उसको मिल गई है, और वो खुश हो गया बाबा से छुप के।
बड़े प्यारे लग रहे हो, इतने हैंडसम लग रहे हो मेरे चोनू चोनू। इधर जी मैंने बनाया है मिक्स वेजिटेबल, यम्मी यम्मी। तो जी ये रही हमारी रमज़ान की ग्रॉसरी। अब मैं इसको इन शॉपर से निकालने लगी हूँ, इम्तियाज से, कि जो ये शॉपर्स हैं। मैं इधर ड्राइंग रूम में आ गई हूँ जी अपनी वीडियो को शूट करने के लिए स्पेशली। तो अब मैंने ये जी अपना ये ट्राईपॉड्स वगैरह भी यहाँ रख दिए हैं कि मैं इससे अब अपनी वीडियो शूट करना स्टार्ट करती हूँ। मैंने अपने ट्राईपॉड को सेट कर दिया और अब मैं बीच पे जा के बैठ चुकी हूँ। मैं पहले यहाँ से शॉपर से स्टार्ट करती हूँ, पहले इनको निकालते हैं, सारी चीज़ों को अरेंज करती हूँ सबको। यहाँ पे भी वेजेस वगैरह स्टैंडर्ड, तो सारी चीज़ें मैं यहाँ अरेंज करती हूँ, फिर आपको वन बाई वन दिखाती हूँ कि हम क्या क्या लेते हैं। ये गाजरें देखें जी। अब मैंने ये सारी चीज़ें ऐसे अरेंज करके रख दी हैं और ये रही जी हमारी रमज़ान की ग्रॉसरी। और अब मैं आपको वन बाय वन दिखाती हूँ कि हम लोग क्या क्या चीज़ें लेकर आए हैं। मैं इधर बैठ जाती हूँ, इधर मैं पास ही बैठ। सबसे पहले जी तो मैंने ये लिस्ट बनाई थी जो मैंने आपके साथ शेयर की कि मैं ये लिस्ट बना के लेके जा रही हूँ। फिर मैंने एक रखा हुआ था हाईलाइटर, उससे मैं सब चीज़ों को कट करती जा रही थी, जो जो चीज़ें मैं लेती जा रही थी। तो आप लोग भी अगर बनाने लेने जा रहे हैं ग्रॉसरी, तो ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपने सबसे पहले करना है, घर से लिस्ट बना के जाएं। इसमें बाहर जाके ना आपको समझ नहीं आती कि क्या लेना है क्या लेना, वरना एक्स्ट्रा चीज़ें ज़्यादा आ जाती हैं। ये सबसे पहले जी रमज़ान की, जो इसके बगैर तो रोज़ा मुश्किल ही नामुमकिन है। ये जी मैंने लिया है टैंग मैंगो का, और ये मैंने लिया है जामे शीरी। ये जी मैं जिप लॉक बैग्स लेकर आई हूँ, मैं आपको इसका साइज़ दिखा देती हूँ, मैं कौन से साइज़ की जिप लॉक बैग्स लेकर आई हूँ। ये जी मैं ये जिप लॉक बैग्स लेकर आई हूँ। और आप भी बताएं आपकी रमज़ान की तैयारियाँ कैसी चल रही हैं, आपने अभी तक क्या क्या शॉपिंग कर ली है। आई नो बहुत से लोगों के घर में तो बहुत सी तैयारियाँ स्टार्ट हो चुकी होंगी, हमारे घर में आज से स्टार्ट हो चुकी है जी। ये मैंने जिप लॉक का बैग लिया है, और जी ये मैंने लिया है मीठा सोडा, ये मैंने लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट। मैंने कहा कौन पेस्ट बनाए, ये बेस्ट है कि पेस्ट बना के बना हुआ ले लेती हूँ। ये मैंने लिया है जी स्कॉच ब्राइट की, कुछ स्पंज है, ये मैंने लिया है बेसन, ये मैंने लिया है केचप, ये है नेशनल का बिरयानी मसाला, ये मैंने लिया है कंडीशनर, और ये मेरा शैम्पू, ये दोनों मेरे ख़त्म हुए हुए थे, ये मैंने दोनों लिए हैं। ये लिया है मैंने जी कॉकटेल लिया है, कॉकटेल का टिन लिया है जो कि फ्रूट चाट के लिए मैंने लिया है। और उसके साथ ये मैंने कुछ थीम के पैक्स ले लिए हैं, फोर थीम के भी फिलहाल पैक्स ले लिए हैं, बाकी आगे फर्दर यूज़ जब होते रहेंगे तो मैं और ले लूँगी। और जी मैंने ये लिया है खजूरों का ये बॉक्स लिया है, ये डिस्पोजेबल में था एक। ये मैंने लिया है नमक, ये मैंने लिया है जी स्टेनर पकौड़ों को छानने के लिए, मेरे पास था लेकिन वो ना टूट चुका है। ओके ये मैंने लिया है पत्ती, ये मैंने लिया है कोबरा स्प्रे, वो बहुत ज़्यादा ही कोई बड़ी बोतल आ गई क्योंकि छोटी बोतल अवेलेबल नहीं थी, तो इतनी बड़ी थी तो हमने कहा ले लेते हैं। मेरे साथ लिया है जी तेजाब एंड हार्पिक। फ्रोजन आइटम्स में मैं लेकर आई हूँ नगेट्स लेकर आई हूँ बच्चों के लिए, और जी मैं लेकर आई हूँ कोफ्ते। साथ ही जी मैंने ये लिया है ये 5 किलो का ये पूनम, जो कि इम्तियाज़ का ही ब्रांड है, उसके मैंने राइस लिया है 5 kg का भी लिया है। और इसके साथ ही मैंने 5 kg की चीनी ली है, ये मैंने लिया है 5-5 किलो की 2 बोरियाँ हैं आलू की, और ये है जी प्याज की बोरी है, और इसमें शिमला मिर्चें हैं, मिर्चें दूसरी हरी मिर्चें हैं, और बेल पेपर्स हैं, गाजर है, और बंद गोभी है जिसको मैं अभी यूज़ भी कर चुकी हूँ। और साथ ही जी ये मैंने लिया है हरा प्याज, ये बेचारा बहुत रुला है पूरे इसमें प्याज में। खैर एनीवेज मैंने लिया है मैकरोनी, मैकरोनी के मैंने आई थिंक 3 पैक्स लिए हैं, बाकी के मेरे 2 वहाँ पड़े हुए हैं।
ये मैंने लिया है मैदा, इससे मैंने सोचा है मैंने कुछ चीज़ें बनानी है, ये मैंने लिया है ग्लास क्लीनर। अच्छा जी, ये मैंने बिरयानी मसाला लिया है, दो बिरयानी मसाले मैंने लिए थे शायद, और ये मैंने लिया है चाट मसाला, और ये जी स्पैगेटी, ये मैंने लिया डिश वॉशर, इसके साथ जी ये स्पंज का था एक लगा हुआ, तो मैंने कहा चलो एक एडिशन हो जाएगा, इसको मैं ले लेती हूँ। ये मैंने लिया है चने की दाल, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे घर में जो रमजान में बनती है, आप देखेंगे थ्रू आउट द रमजान सेशन, कि ये जी चने, वाइट चने, इसकी जी बनेगी चाट, और साथ ही लिया है जी मैंने ये लाल लोबिया, और ये मैंने लिया है वानिया के लिए फीडर लिया है, अब मैं इसको इंशाल्लाह कल से फीडर देना स्टार्ट कर दूंगी। मैंने येलो कलर इसलिए क्योंकि अब्दुल्ला का भी येलो कलर का फीडर है, और वो अब्दुल्ला का फीडर मांगती थी, तो मैंने कहा दोनों बहन भाइयों का एक जैसा ही फीडर हो जाएगा, तो मैंने अब्दुल्ला के वानिया के लिए भी यही फीडर ले लिया है। ये जी मैंने इसे ले लिए हैं, ये तो पिक्स मेरी ख़त्म हो गई थी, अब्दुल्ला ने वो बॉटल तोड़ दी थी, फेंक दी थी। ओके जी, ये जी मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, ये दोनों ही हैं जो कि मैं हर चाइनीज़ रेसिपी में, मतलब आपको मेरे नज़र आएगा कि मैं ये हर जगह यूज़ करती हूँ, तो मैंने ये गार्लिक पाउडर लिया है, और ये है जी ओरिगैनो, और जी मैंने अब ये आज लेकर आई हूँ गोल्डन पर्ल का, मैं लेकर आई हूँ प्योरीफाइंग नीम फेस वॉश। अब मैं इसको यूज़ करूँगी, मैं बताऊँगी ये कैसा है, इसको यूज़ करना चाहिए या नहीं, तो मुझे अच्छा लगा था तो मैंने कहा ये ले लेते हैं, छोटी बोतल मैंने इसे लिया कि पहले ट्राई करूँगी मेरी स्किन पर सूट करता है या नहीं। ओके, ये माचिस के मैंने दो लिए थे, दूसरा कहाँ है, इधर बीच में होगा वो पड़ा हुआ है, दो माचिस के बॉक्स ले लिए थे मैंने, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। ये मैंने सर्फ लिया था, ये है जी ज़ीरा। आगे चलते हैं जनाब, ये मैंने लिए हैं बच्चों के वाइप्स हैं अब्दुल्ला वानिया के लिए, दोनों के लिए जो वाइप्स नजर आए तो मैंने कहा चलो वाइप्स भी ले लेती हूँ। आज जी मैं कुछ ना खाने पीने की इनकी चीज़ें इतनी नहीं लेकर आई, मैं खाली इनकी जेली ली है, बिस्किट, और ये ना ये वेफर्स हैं, इनको अब्दुल्ला को पसंद है, बाकी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पड़ी हुई थी तो मैंने कहा ये वही चीज़ें इस्तेमाल करें, और जब ख़त्म होंगी तो दोबारा आ जाएंगी, क्योंकि आपको पता है अभी कुछ दिनों पहले ही मैं लेकर आई थी इनकी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें। अचार जी है, जब नाश्ते में सहरी के टाइम कुछ ना खाने का करें तो अचार सब्जी पराठा खा लो, मज़े का कॉम्बिनेशन। और ये मैं तारे लेकर आई बर्तन धोने वाली जी, उसके साथ है ये लाल मिर्चें हैं, ये है टूथपेस्ट, ये है ज़ीरा पाउडर, ज़ीरा है सॉरी, और धनिया मिर्चें, मैकरोनी, और वो है जी घी का पैकेट बनाए। सो ये रही हमारी रमज़ान की ग्रॉसरी जो हम आज करके आए। सो अब मैं इन चीज़ों को ठिकाने लगाती हूँ, फ्रोज़न आइटम्स काफ़ी देर से बाहर पड़ी हुई थी, इस स्थान को रखना नहीं चाहिए, लेकिन एनीवेज कुछ होता नहीं है। अब मैं जी क्या करने जा रही हूँ, इन सारी चीज़ों को ठिकाने लगाने जा रही हूँ, इनको सबको समेटती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ बाद में। सो ये रही मेरी आज की वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, जिसमें मैंने आप लोगों को दिखाई है जी रमज़ान की ग्रॉसरी हम करके आए हैं आज अपने कुछ, तो थकावट से बुरा हाल हो रहा है, वानिया और अब्दुल्ला को मैंने सुला दिया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने व्लॉग को यहीं पर एंड कर दूँ। तो आप अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन फ्री में देखने को मिल सके। अल्लाह हाफिज़।